वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला। फ्रेंड्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1.5 ऑफ एनबीएचएम एमएससी 2013 एग्जाम। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है फॉर ए प्राइम नंबर पी, एफपी डिनोट्स द फील्ड कंसिस्टिंग ऑफ 0 1 2 अप टू पी माइनस 1 विद एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी। यानी कि इसके जो बाइनरी ऑपरेशन है वो है एडिशन मॉडुलो पी एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी। तब आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कोशेंट रिंग्स आर फील्ड्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है एफ फाइव एक्स अपॉन आइडियल जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है एफ टू एक्स डिवाइडेड बाय आइडियल जनरेटेड बाय एक्स टू प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है फ्रेंड्स एफ थ्री एक्स अपॉन आइडियल जनरेटेड बाय एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है फ्रेंड्स, आप बहुत इजीली देख सकते हो कि आपकी ये जो है एफ फाइव एक्स ये एक पॉलिनोमियल रिंग है। और हम एक रिजल्ट जानते हैं फ्रेंड्स कि आर बाय ए आपका फील्ड कब होता है, जब आपका ए क्या हो, मैक्सिमल आइडियल। तो ये वाला जो आइडियल है ये मैक्सिमल आइडियल कब बनेगा, जब आपका फ्रेंड्स ये जो पॉलिनोमियल गिवन है ये इररिड्यूसिबल होना चाहिए ओवर दिस फील्ड। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एफ फाइव के ऊपर इररिड्यूसिबल हो गया तो ये आइडियल मैक्सिमल आइडियल बन जाएगा, और इस आइडियल के मैक्सिमल आइडियल बनते ही हमारा ये जो कोशेंट रिंग है ये फील्ड बन जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसकी इररिड्यूसिबिलिटी या फिर इररिड्यूसिबिलिटी कैसे चेक करेंगे। तो ये पहली बात, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो 2 और 3 डिग्री के पॉलिनोमियल की हम इररिड्यूसिबिलिटी बहुत इजीली चेक कर सकते हैं। देखो F5 के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, इन्हें लिखो 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहां पर 0 पुट करो, तो जैसे ही आप 0 पुट करोगे आपको 1 मिलेगा, उसके बाद आप 1 पुट करो तो आपको 3 मिलेगा, उसके बाद आप 2 पुट करो तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, और 6 किसके कॉन्ग्रुएंट होता है, 1 के कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि हमें F5 तक ही तो बात करनी है। तो अब मुझे 6 को लिखना है F5 के अंदर। ठीक है, तो 6 डिवाइडेड बाय 5 करो तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसे मैं यहां पर लिखूंगा। ठीक है, तो 1 मैंने लिख दिया। अब आप 3 से देखो तो 3 3 जा 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 1 13, 13 को 5 से डिवाइड करो 10, और कितना रिमाइंडर बचा 3। इसी तरीके से जब आप 4, तो 4 4 जा 16, 16 प्लस 4 प्लस 1 यानी कि आपको यहां पर मिलेगा 21। तो यानी कि 21 को मैं 1 के कॉन्ग्रुएंट लिख सकता हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको 2 डिग्री और 3 डिग्री पॉलिनोमियल की इररिड्यूसिबिलिटी देखनी है तो आप फील्ड के सारे एलिमेंट्स को पुट करके देखो, और अगर उन एलिमेंट्स को पुट करने पर आपको एक भी जीरो नहीं मिले तो यानी कि आपका ये जो आइडियल है जनरेटेड बाय दिस पॉलिनोमियल ये आपका मैक्सिमल आइडियल होगा, और ये आपका जो पॉलिनोमियल है ये इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल होगा। तो यानी कि अब F5 के अंदर मैंने सारे एलिमेंट रख के देख लिए, मुझे जीरो नहीं मिल रहा, तो ये मेरा पॉलिनोमियल क्या हो गया, इररिड्यूसिबल। तो इररिड्यूसिबल होते ही ये मेरी कोशेंट रिंग क्या बन जाएगी, फील्ड। इसी तरीके से आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस वन ये मेरा 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो 2 और 3 डिग्री पॉलिनोमियल के लिए हम फील्ड के एलिमेंट्स रख सकते हैं अगर हमें इसकी रिड्यूसिबिलिटी या फिर इररिड्यूसिबिलिटी चेक करनी है। तो F2 मतलब 0 और 1, जब मैंने 0 रखा तो मुझे 1 मिला, और जब मैं 1 रखूंगा तो फ्रेंड्स मुझे क्या मिलेगा, 3, और 3 किसके कॉन्ग्रुएंट होता है, 1 के कॉन्ग्रुएंट F2 में। ठीक है, तो यानी कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि मुझे कहीं भी 0 नहीं मिल रहा, 0 नहीं मिल रहा तो मतलब ये क्या है, इररिड्यूसिबल। इररिड्यूसिबल मतलब ये क्या हो गया, मैक्सिमल आइडियल। मैक्सिमल आइडियल मतलब ये क्या हो गया, फील्ड। ठीक है, अब हम आते हैं x2 plus x plus 1, तो x2 plus x plus 1, तो f3 के अंदर क्या होता है, 0 1 2, 0 रखा तो क्या मिला, 1, 1 रखा तो क्या मिला, 1 plus 1 plus 1 यानी कि 3, और 3 किसके कॉन्ग्रुएंट होता है, 0 के, f3 के अंदर। ठीक है, तो ये 0 आ गया, तो मतलब इस वाले पॉलिनोमियल का मुझे क्या मिल गया, 0। तो जैसे ही 0 मिल गया ये मेरा पॉलिनोमियल क्या हो गया, रिड्यूसिबल। रिड्यूसिबल होते ही ये जो आइडियल है ये मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा, मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा तो मतलब ये कोशेंट रिंग फील्ड नहीं होगी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है और ऑप्शन नंबर बी है वो ट्रू है। थैंक यू फ्रेंड्स।